अगर दोस्तों आपका बजट 20 से 25 के बीच में है और आप एक गेमिंग पीसी चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट गेम और गेमिंग से रिलेटेड है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने बजट अंडर में रह के आप किस तरीके से एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर पाएंगे और उसकी क्या क्या लिमिटेशन होगी और आपको क्या क्या फ्रेम रेट मिलेंगे, वो सारी वीडियो मैं आपको इस पे बेंचमार्क करके भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना टाइम समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रोसेसर की। अगर आप AMD का एथलॉन 3000G पे जाते हैं जिसमें आपको रेंडन वेगा 3 ग्राफिक कार्ड इंक्लूडेड मिलता है, तो इसमें आपको बेसिकली 2 कोर एंड इसका जो आपका कैश मेमोरी जो आता है 5 MB का इसमें मिल जाता है। बेसिकली ये गेमिंग के स्टार्टअप पर्पस से ये आपके लिए काफ़ी है। और इसमें जो आपको 720 का एक फ्रेम रेट बेस मिलता है दोस्तों, सीधी सी बात है 30 FPS का, जो आप अपने बजट के अंदर जा रहे हैं तो एक लिमिटेशन ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये आपको जब मार्केट में जाएंगे तो आपको ये 35 से 4000 के बीच में इसकी प्राइस देखने को मिल जाएगी। मगर आप एक मार्केट में जाएंगे जहाँ गेमिंग मार्केट है जैसे लाइक नेहरू पैलेस, ठीक है, ऑनलाइन इसकी प्राइसिंग 5000 के समथिंग है। और आपको मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बेसिकली बजट में राइजन 3 3200G वेगा इसमें जो 8 ग्राफिक कार्ड आपको मिलता है जिसमें 4 कोर एंड 6 MB का कैश मेमोरी मिलता है, ये भी AM4 सॉकेट पे असेंबल्ड होता है, ठीक है, ये सबसे बढ़िया आपके लिए प्रोसेसर रहेगा। अगर आप थोड़ा बजट और ऊपर रख के जाते हैं तो ये आपको 6.5 से 7 हज़ार की रेंज में मिल जाता है। मगर दोस्तों ये मैं सब आपको एक बेसिक गेमिंग मार्केट की प्राइस बता रहा हूँ, ना कि ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट में अगर आप जाएंगे कि कंपोनेंट्स बाय करेंगे ऑनलाइन तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा ही पड़ेगा। अगर आप पूरा पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं तो एक आप लोकल मार्केट गेमिंग मार्केट में ही जाकर परचेज करें तो आपके काफ़ी सारे पैसे हर एक कंपोनेंट्स पे बच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर भी आपको जो दोस्तों अगर देखने को मिलेगा यहाँ पे आप 1080p पे इजीली आप गेमिंग कर पाएंगे, जो कि आपको एक फ्रेम रेट स्टार्टिंग से आपको 35 से स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा, जो आपको एक फ्रेम रेट दे ही देगा एक प्रोसेसर आपको, ठीक है। इसमें आपको इंक्लूडेड आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जो वेगा इसका खुद का होता है 8 ग्राफिक कार्ड। इन दोनों प्रोसेसर में इंक्लूड वेगा ग्राफिक कार्ड होते हैं, आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप अपने बजट के अंदर में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से गेमिंग स्टार्ट कर पाएंगे। आप GTA 5 जैसे गेमिंग को बड़े गेमिंग को भी इन दोनों प्रोसेसर पर स्टार्ट कर पाएंगे। अब रही इन दोनों की बात, अब चॉइस वाली बात है कि आप किन दोनों प्रोसेसर में से आप चॉइस के ऊपर जाते हैं। अब मैं आपको SMPS बताता हूँ दोस्तों। आप गेमिंग के ऊपर आए तो आपको एक नॉर्मल SMPS आप जो डुअल कोर में यूज़ करते हैं वो नहीं चलने वाला। यहाँ पर आपको 400 वाट का एक स्टार्टिंग SMPS आपको लेना ही पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ सर्कल का। आपको इसमें वारंटी भी मिल जाती है दोस्तों, कम से कम वन ईयर की मिली जाती है, जो आपको 1500 रुपये स्टार्टिंग मतलब आपको मिली जाती है प्राइस में। अगर आप पोंटा या अदर SMPS लेते हैं तो उसकी प्राइजेस आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, 2200 से स्टार्टिंग होती है, बट ये आपके बजट में रह के आपको एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने में हेल्प करेगा। अगले चीज़ की बात करते हैं हम अपने रैम की। तो दोस्तों देखो, गेमिंग अगर आप पीसी इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका एक बेसिक मतलब रैम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी आपको अपना बजट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जो चॉइस किया है वो है HyperX फर्री 8GB जो है रैम मैंने चॉइस किया, जो DDR4 पे इंस्टॉल होता है मदरबोर्ड पे, ठीक है। ये 2200 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाता है ये रैम, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको यही रैम क्यों बताया, क्योंकि इसके ऊपर एक हीट सिंक भी होता है जो काफ़ी मतलब हीट को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है दोस्तों 2666 MHz तक इसकी स्पीड को सपोर्ट करता है ये वाला रैम, ठीक है। और ये बेसिक रैम, इतना रैम जो स्पीड है आपके लिए काफ़ी है, इनफ है। आप 8GB की रैम इंस्टॉल कर लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। अगली चीज़ मैं बात करता हूँ दोस्तों, GigaByte का एक मदरबोर्ड चॉइस किया है। अगर मैं चाहता तो इससे नीचे भी आ सकता था, बट मैंने सोचा कि एक बजट में एक अच्छा अगर आपको मैं मदरबोर्ड बताऊँ तो वो आपके लिए बेटर होगा और आप अपना इजीली अपने गेमिंग को प्ले कर पाएंगे और काफ़ी चीज़ें भी कर पाएंगे, ठीक है। तो GigaByte का मैंने 830MH Ultra ड्यूरेबल मदरबोर्ड मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि इसके अंदर आप अपना M4 जो सॉकेट का ये जो है आपका प्रोसेसर
ठीक है, आपको इंस्टॉल कर पाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपको 8 GB मतलब मैक्सिमम आप यहाँ पर 32 GB के मैक्सिमम रैम को इंस्टॉल कर सकते हैं इस मदरबोर्ड के ऊपर। और यहाँ पर आप इजीली अपने ग्राफिक कार्ड को, एक स्लॉट मिलता है आपको ग्राफिक कार्ड का यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ग्राफिक कार्ड को भी अपने इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। तो ये काफ़ी बेटर है, बड़ा अच्छा है। इसके अगर आप रिव्यू भी देखेंगे, काफ़ी जगह पर रिव्यू देखने को आपको मिल जाएगा अमेज़ोन से लेकर। और ये आपके बजट में 5 से 5,000 के बीच में, 5,500 रुपये के बीच में काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। गीगाबाइट के मदरबोर्ड भी काफ़ी अच्छे होते हैं और लॉन्ग टर्म भी चलते हैं। मैंने खुद यूज़ कर रखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं बता रहा हूँ कि गीगाबाइट के मदरबोर्ड काफ़ी अच्छे होते हैं। इसका लैन सपोर्ट जो होता है, ड्यूरेबल लैन सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। और आपको काफ़ी अच्छा मतलब इस पर, आप इस मदरबोर्ड पर 1660 Ti आप ग्राफिक कार्ड GPU भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे ऊपर भी जा सकते हैं बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप बेसिकली इसमें नॉलेज वाली बात ये भी है कि 400 वाट के ऊपर आपका GPU आप जो लगा रहे हैं वो भी देखना पड़ता है कि आप कौन सा GPU यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिक कार्ड उसके ऊपर भी होता है। अगर आप हाई ग्राफिक कार्ड पर जाते हैं जैसे कि 1660 Ti या 2060 GTX इस टाइप के ग्राफिक कार्ड पर, तो उसके लिए 700 वाट के ग्राफिक कार्ड वहाँ पर इंस्टॉल करने होते हैं। तो बेसिकली हम 1050 Ti पर जाते हैं। अगर आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो आप बेसिकली 1050 मिनिमम अपना एवरेज रखिए ग्राफिक कार्ड के, जो 4 GB में आते हैं, ठीक है। आप GT710 पे मत जाएं। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस और एक एग्जांपल के लिए गैलेक्सी ग्राफिक कार्ड से मैं जो है दूर रहने को कहूँगा, वहाँ पर आप ज़रूर मार्केट में मत जाना। और गैलेक्सी का जो ग्राफिक कार्ड है वो आप बाय मत करना, ठीक है। उसके अलावा आप जो भी ग्राफिक कार्ड यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बेस ग्राफिक कार्ड है गैलेक्सी का, और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है मेरे एक्सपीरियंस से। आप उसको छोड़ के अगर जैसे आसूस के ग्राफिक कार्ड पर जाते हैं या MSI के ग्राफिक कार्ड पर जाते हैं तो वो आपको काफ़ी। और दूसरी बात ये भी कह दूं, आप ड्यूअल फैन जो ग्राफिक कार्ड पर जाएंगे, ड्यूअल फैन वाले ग्राफिक कार्ड पर, तो वो आपके लिए सबसे बेटर होगा सिंगल फैन के मुकाबले। वो काफ़ी अच्छा मतलब कूलिंग कंट्रोल में भी आपकी हेल्प करता है। ये रही दोस्तों ग्राफिक कार्ड की बात, जो कि आपको एक स्टार्टिंग रेंज से 10 से 11 हज़ार के रेंज में आपको 1050 Ti मिल जाता है। ऑनलाइन भी मार्केट में जाएंगे या लोकल मार्केट में भी सेम प्राइस पे आपको मिल जाएगा 1050 4 GB ग्राफिक कार्ड, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी ग्रेड का मतलब आप हार्ड ड्राइव लगाएं, ठीक है, 500 GB का, तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि 500 GB 1 TB आपको लगाना भी कंपलसरी होते हैं। आपके काफ़ी सारे फ़ोटो या डॉक्यूमेंट आप यूज़ करते हैं तो आप उसके अंदर अपने मतलब CPU जो असेंबल कर रहे हैं CPU, तो उसके अंदर आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी गेमिंग को फास्ट करना चाहते हैं और तो आप एक SSD ज़रूर लगवाएं, ठीक है। और इस मदरबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर M.2 का स्लॉट आपको मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल SSD से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। आप M.2 जो होता है उसकी जो वो जो साइज़ होती है वो एक रैम की तरह उसकी साइज़ होती है, वहाँ पर उसको एक स्लॉट होता है और जगह भी काफ़ी छोटे से एरिया में वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब NVMe जो इसका वो होता है हाई स्पीड M.2 का, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा आपकी गेमिंग, बिना लैग करे आपकी गेमिंग चलेगी। और आपका सिस्टम स्टार्टअप और शटडाउन होने में और हर चीज़ प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा अगर आप एक SSD लगवाते हैं तो। प्राइमरी जो मैं कहना चाहता हूँ बेसिक, आप 250 GB SSD इंस्टॉल ज़रूर कराएं, ठीक है। और दोस्तों अगली और आखिरी चीज़ हमारी जो रह गई वो हो गई कैबिनेट। और कैबिनेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बेसिक कैबिनेट और हम बेसिक कंप्यूटर बजट के ऊपर जा रहे हैं तो हम कैबिनेट चूज़, हमने जो NX200 मिड टावर गेमिंग कैबिनेट चूज़ किया है, तो इस कैबिनेट में फ्रंट पर ही आपको RGB जो भी है लाइटिंग सी मिल जाती है, एक सिंपल कैबिनेट है। और बट इसमें आपका जो मदरबोर्ड है वो आराम से इंस्टॉल हो पाएगा बिना किसी परेशानी के। आप अपने बजट के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने इसमें जितने भी मैंने आपको बीच में एक वीडियो क्लिप सारी दिखाई है, अगर आप वीडियो क्लिप को पूरी तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक देखना चाहते हैं, अलग अलग गेमिंग का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप उस क्लिक करके डायरेक्ट मेरे दूसरे चैनल पर जाके वो पूरी उसकी मतलब रिव्यू कर सकते हैं उस वीडियो के ऊपर, कि आपको क्या फ्रेम रेट अलग अलग प्रोसेसर पे मिल रहे हैं, वहाँ पर APU जो उसके अंदर है इंक्लूड, अगर आप Ryzen 3 3200G
या आप एथलोन 3000G में जाते हैं तो आपको क्या होता है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप AMD एथलोन 3000G लगाइए, एक साल तक आप यूज़ कीजिए, फिर उसके ऊपर आप चाहें तो इसी मदरबोर्ड के ऊपर आप राइजन 3 3200G या इससे बेटर कुछ भी आप प्रोसेसर वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं इन फ्यूचर कभी भी। तो आप अपने बजट के अंदर जा सकते हैं। तो मैंने आपको जो आइडिया दिया है तो आप अपने आइडिया और बजट और परफॉर्मेंस के हिसाब से जो ऐसी आपकी चॉइस है उस हिसाब से यहाँ पर आप इस चीज़ को प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन या आप मार्केट में जाके लोकल मार्केट में जाके बाय कर सकते हैं। और वहाँ पर आप एक शॉप से न जाकर आप क्या कहते हैं अलग अलग शॉप्स पे जाकर इस प्रोडक्ट की चॉइस और प्राइसिंग पे जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, अलग अलग मार्केट होते हैं, अलग अलग प्राइसिंग होते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों ये एक बेसिकली आप अपने PC पे इजीली एक ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 1050 का लगाना ग्राफिक कार्ड तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं इन दोनों प्रोसेसर के साथ, वरना इसमें मतलब ऑलरेडी इन दोनों प्रोसेसर में खुद का एक मतलब ग्राफिक कार्ड इंक्लूड है, ठीक है, आपको अलग से एक ग्राफिक कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है अगर कहा जाए तो। अब मैंने इसलिए आपको एडिशनल बता दिया, अगर आप और ज़्यादा बजट में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अलग से ग्राफिक कार्ड बेसिकली इंस्टॉल करना चाहते हैं या एडिटिंग करना चाहते हैं इस पर्पज़ से, लाइव स्ट्रीम के पर्पज़ से, तो दोस्तों इन चीज़ में फ़र्क होता है। तो इसके लिए मैंने ये आपको हेल्प किया था, सजेस्ट किया था आप ये वाला चॉइस कर सकते हैं, नहीं तो आपको ग्राफिक कार्ड अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ गेमिंग पर्पज़ से चाहते हैं। तो दोस्तों सभी चीज़ में प्राइस और उनकी लिमिटेशन के ऊपर डिपेंड होता है, आप जानते हैं मार्केट वाली बात होती है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से आपके लिए सजेस्ट था, अगर आप बाय करना चाहते हैं, आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, गेमिंग प्ले करना चाहते हैं और आप बोर हो रहे हैं इस लॉकडाउन से, तो आप इस तरीके का एक बजट गेमिंग PC असेंबल करा सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी फैमिली पर डिपेंड वाली बात होती है कि हर किसी का 50,000 या 1,00,000 या इससे ऊपर किसी का बजट नहीं होता, सब अपने अंडर में ही उस गेमिंग प्ले को करना चाहते हैं जो उनको गेम पसंद है, जैसे GTA 5 हो गई, ये बहुत सारी ऐसी गेमें हैं, ठीक है, वॉच डॉग हो गई। तो मैं वही सजेस्ट कर रहा था। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कुछ कन्फ्यूजन है, क्वेश्चंस है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और दोस्तों मैं आपको सबसे बढ़िया एक मतलब शॉप बताऊंगा नेहरू प्लेस में, जहां पर जाने के बाद आपको सबसे ज़्यादा चीपेस्ट में ही आपको पूरा कॉम्पोनेंट्स एक एक पार्ट मिलेंगे। तो दोस्तों उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप 1,000 लाइक अगर मेरे वीडियो पर ठोक देंगे तो मैं उसकी डिटेल्स और उसका कॉन्टैक्ट नंबर सारा शेयर कर दूँगा। मुझे आपका चाहिए सिर्फ प्यार और साथ में सपोर्ट। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।